दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कॉटलैंड वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स के बीच जो होने वाला है दोस्तों आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच। एक तगड़ा मैच है, नियर अबाउट बैलेंस मैच है। श्रीलंका वुमेन्स डेफिनेटली स्लाइटली बेटर है, बट श्रीलंका वुमेन्स ना बेटर कब होती है पता है? जब चमारी अटापट्टू रन बनाती है। 60-70% परफॉर्मेंस श्रीलंका वुमेन्स का दोस्तों डिपेंड्स ऑन चमारी अटापट्टू। तो दो फैक्टर के साथ डिस्कस करेंगे। फैक्टर वन रहेगा चमारी अटापट्टू अगर चलेंगी, फैक्टर टू रहेगा चमारी अटापट्टू अगर नहीं चलती है। डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, ध्यान से वीडियो देखना, 100% आप बेनिफिटेड रहोगे। बट आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ना अभी जो टारगेट है मेरा 100 के फैंटेसी दुनिया मेंबर्स बनाना, मतलब 100 के यूट्यूब सब्सक्राइबर। और ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको दोस्तों मैं मैक्सिमम मैचेस, स्पेशली एसोसिएट्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस का कवरेज मिलेगा। एसोसिएट्स कंट्रीज होते हैं जो टॉप 10-12 के बाद जो टीम्स आते हैं उनसे लेके दोस्तों आप मान के चलो कि 50-60 रैंक तक टीम्स जो है ना वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, मेंस वुमेंस दोनों, और उनके कवरेज आपको इस चैनल पर मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों फाइनल डेमो टीम भी मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ टेलीग्राम पर। रिक्वेस्ट करूँगा, 100 लाइक्स का एक टारगेट है और 100 कमेंट्स का एक टारगेट है। देखो आपको ना आपके हिस्से के 101 कमेंट्स करना है और एक लाइक करना है, शेयर करना है, बस इतना करना है। अगर अपना कर देते हो तो मैं इस मैच का डेमो टीम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। दोस्तों ये मेरा वर्ड है, ये मेरा वर्ड है दोस्तों, अगर मैं ये नहीं करता तो दोस्तों मैं अपना वर्ड के खिलाफ जाऊंगा, और मुझे लगता है कि वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जो अपना वर्ड्स नहीं रख रहे, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर मैसिव ऊपर नीचे हुआ तो मैं अपना वर्ड्स अगर नहीं रखूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे बंदे को क्या फॉलो करना सही है जो अपना बात का दोस्तों वैल्यू नहीं दे सकता, तो दूसरे का क्या वैल्यू देगा। होप आप सपोर्ट करोगे और लाइक शेयर करोगे। 110 एवरेज स्कोर है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी, 110 एवरेज स्कोर, 120 ये स्लाइटली बेटर वेन्यू दोस्तों। टॉलरेंस ओवल में जो रन बन रहा है ना उसके मुकाबले यहाँ पर रन स्लाइटली ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। श्रीलंका से देखो अपना पहला मैच जीत के आ रहा है, जीतना ही चाहिए दोस्तों इनको। गुणरत्न ओपन, चमारी अटापट्टू, हसीनी पेरेरा, हंसीमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डिसिल्वा होगा बैटिंग ऑर्डर। ध्यान दो लास्ट मैच में ओपोनेंट वीक था, उधर भी दोस्तों विश्मी गुणारत्ने सिर्फ 13 रन बनाया। सोचो ओपोनेंट वीक होने के बाद भी इतना घटिया परफॉर्मेंस था। 16 का एवरेज है, ऑड मैचेस में रन बनाती है, जैसे कि एक श्रीलंका के मैच में मैच विनिंग 65 रन का नॉक आया, बाकी मैचेस वार्म अप में 49, 26 ODI में आया था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, सॉरी श्रीलंका नहीं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आया था ये। तो प्लेयर तो ठीक ठाक है, बट वही है कि मैच्योरिटी नहीं है, कब रन बनाएंगे किसी को नहीं पता। चमारी आपके लिए बढ़िया प्लेयर है, इस मैच में आपको ज़्यादा ओवर भी डालते हुए दिखेंगे। देखो सब कैप्टन ही बना के जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंपैक्ट प्लेयर है ना, जब ये परफॉर्मेंस देंगे ना इसके आसपास कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा। पूरा श्रीलंका का टीम मिला के जितना पॉइंट्स देंगी ना चमारी अटापट्टू उससे ज़्यादा पॉइंट्स दे देती है अकेले, तो दोस्तों ये एक मैटर करता है। हसीनी पेरेरा 29 रन बनाई थी दोस्तों, 68 मैच, 12 के एवरेज से 607 रन है। थोड़ा सा इनका तो दोस्तों 3-4 कैचेस ही छूटा था इस मैच में। हंसीमा करुणारत्ने 11 रन बनाए, कुछ खास नहीं, बैटिंग कुछ खास नहीं है। कविशा अच्छी प्लेयर है, बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकते हैं, आई थिंक एक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रहेंगी, सेफ भी रहेंगी। नीलाक्षी डी सिल्वा 29 रन है इनका, अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, कुछ ना कुछ रन बना जाती है, बट वही है कि फैंटेसी के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। अनुष्का संजीवनी विकी में सारा ब्राइस अच्छी चॉइस है, सारा ब्राइस ना बैटिंग से ज़्यादा कैपेबल है कंपेयर टू अनुष्का, बट आपको अगर विकी से वैल्यू चाहिए तो अनुष्का आपको दे सकती है क्योंकि इधर स्पिनर ज़्यादा है। सुगंधिका कुमारी इस मैच में मत छोड़ो, लास्ट मैच में विकेटलेस, बट ये अच्छी प्लेयर है, 69 मैच में 50 विकेट निकाल लेंगे और ये मैच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। T20 इसमें अच्छा क्रिकेट खेला इन्होंने। इनोशी प्रियादर्शिनी ने 4 ओवर में 3 विकेट, गारंटी नहीं है कब कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है, 19 मैच में 19 विकेट है, T20 में एक आधा विकेट मिल जाता है इनको। उद्देशिका प्रभुदानी अच्छी स्विंग मिल रही थी दोस्तों लास्ट मैच में, मैंने नोटिस किया, अच्छी खासी बॉलर है, डेथ में भी आती है दोस्तों, यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। अचिनी कुलासरिया दोस्तों 3 ओवर में 1 विकेट है इनका, लास्ट मैच में राइट एम मीडियम, 28 मैच में सिर्फ 14 विकेट है, शायद अभी ना लूँ, वार्म अप में अच्छा गया, दोनों मैच में 2 विकेट और 1 विकेट, ODI में 1 विकेट 0, T20 में 0, 2-2। ओपनिंग बॉलिंग उदेशिका, इनोशी, सुगंधिका, डेथ में करेंगी दोस्तों सुगंधिका, दिलहाड़ी और अचिनी। ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान दो, उदेशिका प्रभुदानी 1-10-12, इनोशी प्रियदर्शिनी 2-4-14 एंड 16th ओवर, सुगंधिका 3-5-13, कविशा दिलहारी 6-8-15 दोस्तों, अचिनी कलुसरिया 7-9-11, चमारी ने 17 ओवर डाला। ओवर्स कट डाउन, ये कुछ प्लेयर बेंच में बैठे हुए, चेकआउट कर सकते हो इनके स्टैट्स वगैरह दोस्तों आप। हाँ ये है, अगर खेलती है गिमहानी, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है जो अंडर 19 खेल के आ रही है बेसिकली, इनों का रन आवेरा इनके स्टार ऑप्शन है, खेलती है तो मस्ट बी प्लेयर।
स्कॉटलैंड वोमेंस से देखो प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर में डर्सी कटर ओपन, शशिका होल्डे, कैथरीन ब्राइस, सारा ब्राइस, एलेक्स लिस्टर, लॉर्ना जैक, प्रियना चटर्जी, कैथरीन फ्राइसर होगा कुछ बैटिंग ऑर्डर। यहाँ से एस होल्डे आपके लिए बहुत ही तगड़ा ऑप्शन रहेंगी, 61 रन बनाए उन्होंने दोस्तों लास्ट मैच में, अच्छा क्रिकेटर है और ये ना ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, बॉलिंग भी कर सकती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, टी ट्वेंटी में 7 मैच 181 रन 17 ओवर 3 विकेट, यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। डर्सी कटर 24 रन बनाया, फिलहाल के लिए मस्ट पिक नहीं है बट रोटेट करके यूज़ करना है तो करो। कैथरीन ब्राइस आपके लिए बहुत तगड़ा ऑप्शन है, 3 ओवर में 1 विकेट, बहुत ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन है, मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों कैथरीन ब्राइस, अपनी टीम में यूज़ कर लेना दोस्तों इनको अपनी टीम में, ठीक है, अच्छी चॉइस है मेरे हिसाब से तो, बहुत तगड़ा चॉइस है और कैप्टन ऑप्शन है। मैं ना स्लाइटली मानता हूँ कि बॉल फर्स्ट ज़्यादा बेटर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये ना बॉल फर्स्ट ये आपको 4 ओवर देंगी, डेथ में आ सकती है एक आधा ओवर तो वैल्यू वहाँ पे देंगी, अगर अट्टापट्टो आउट हो गया तो और भी ज़्यादा वैल्यू दे सकती है, विकेट निकाल सकती है डेथ ओवर्स में, प्लस ये बैटिंग तो इनका आना ही है 15-20 रन वहाँ पे है, बट अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ और समहाउ स्कॉटलैंड कोलैप्स हो गया स्पिन के अगेंस्ट स्पेशली, तो दोस्तों इनका ना सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग से विकेटलेस भी जा सकते हैं, तो फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग कैपेसिटी बनाओ, सेकेंड इनिंग्स में मत बनाओ। सारा ब्राइस आपके लिए अच्छी चॉइस है, विकी से अच्छी बेटर है बट अगर आपको विकी से वैल्यू चाहिए तो संजीवनी के साथ भी जा सकते हो। लिस्टर 55 रन बनाया, लॉर्ना जैक डू नॉट बैट, प्रियना चटर्जी एक ही ओवर डाला, ये चटर्जी का ना ओवर कट होता है, कीप इट इन माइंड। कैथरीन फ्रेसर अच्छी बॉलर है, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाला, बट इधर ना चमारी अट्टापट्टू है, हर्षिता माधवी है नहीं खेल रही है, हसीनी पेरेरा है, तो लेफ्टी बैटर्स है ये प्ले में आएंगी फ्रेशर, मुझे ऐसा लगता है। रैशल स्लेटर 4 ओवर में 5 विकेट, पब्लिक इनके पीछे भागेंगे, अब मैं भी बोलूंगा कि रख लो टीम में, सिंपल है। अब तक मकसूद लेग ब्रेक बॉलर 3 ओवर में 3 विकेट, बट वही है कि ओपोनेंट के पास लेफ्टी बैटर्स है तो प्ले में आ सकते हो ऑफ स्पिनर। अब तक मकसूद 3 ओवर में 3 विकेट, क्रूएवेल 2 ओवर में विकेट 0, 5 मैच 11 ओवर 4 विकेट, ओपनिंग वाले ब्राइस स्लेटर चटर्जी डेथ में, अब तक मकसूद ब्राइस और चटर्जी, ये दोस्तों ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, कैथरीन ब्राइस 1-3-5, स्लेटर 2-4-6-8, ये तो नहीं रहेगा, अभी थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे। ब्राइस एक ओवर डेथ में ला सकती है, कैथरीन फ्रेसर डालेंगी बॉलिंग दोस्तों, क्लोएबल पीछे डाल सकती है ओवर डेथ में, मैगन मैकॉल, लिस्टन, नेमाशेक वगैरह रिकॉर्ड देख लो। हेड टू हेड जब 2022 में हुआ क्वालालंपुर श्रीलंका 182/4, चमारी 86, देखो चमारी रन बनाया तो दोस्तों विकेट नहीं गिरा, रन बना, ठीक है। बेस्ट बॉलर प्रभुधनी सेकेंड इनिंग्स में, कंचाना और निशान साला 2 विकेट, स्कॉटलैंड 73 पे ऑल आउट दोस्तों। इधर एलन वेटसन ने 30 बनाया, सारा ब्राइस ने 11, कैथरीन ब्राइस 9, कैथरीन फेसर अब तक मकसूद, कैथी मैगल 1 विकेट, वही बात है ना, मैटर करता है वहीं पे। चमारी अट्टापट्टू रन बनाएंगी, श्रीलंका इजी जीतेंगी, चमारी अट्टापट्टू रन नहीं बनाएंगी, लास्ट मैच में भी श्रीलंका का विकेट गिरा, इधर भी गिरना चाहिए। चलते फटाफट से ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक एडेड है दोस्तों। फिलहाल जो मेरा ड्रीम 11 टीम रहेगा ना विकी में, मैं सारा ब्राइस को ले रहा हूँ क्योंकि बैटिंग से सारा ब्राइस ज़्यादा कैपेबल है, बट श्रीलंका वुमेन से संजीवनी भी यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। विश्मी के बारे में सोचेंगे, पेरेरा के बारे में, नीलाक्षी, लौटना जाए, कोई चॉइस नहीं है तो फिलहाल विश्मी के साथ जाता हूं, जो मुझे थोड़ा सा सेफ ज़्यादा लगती है। हसीनी पेरेरा तो दोस्तों लास्ट मैच में 3-4 कैचेस छूटा इनका। अट्टापट्टू ब्राइस दिलहारी होल्डे दोस्तों, डर्सी कटर नहीं लूंगा, क्लोएबल आफ्टर टॉस बॉल फर्स्ट यूज़ कर सकते हो, चैटर्जी को यूज़ कर सकते हो, सुगंधिका मेरा मस्ट पिक है दोस्तों। यहाँ से मैं लेता हूँ इनोशी फर्नांडो को ले लेता हूँ, उदिशिका प्रभुदानी, रेचल स्लेटर और दोस्तों अब्ता मकसूद को लेता हूँ। कलू सूर्या अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस, या फिर इनोशी फर्नांडो के जगह भी कलू सूर्या यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो ये रहेगा मेरा टीम और जहाँ पे मेरा कैपेसिटी चमारी सबका रहेगा, मेरा भी रहेगा वाइस कैप्टन ब्राइस या फिर दिलहारी। अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो ब्राइस रहेंगी, अगर बॉलिंग सेकेंड इनिंग्स में होता है स्कॉटलैंड वोमेन का तो मैं रिस्क लूँगा और मैं ना दिलहारी को बनाऊँगा या फिर सुगंधिका कुमारी को बनाऊँगा वीसी। मेरा 2 वीसी ऑप्शन रहेगा, दिलहारी एंड सुगंधिका, अगर श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट किया। अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट किया तो दोस्तों ब्राइस और दिलहारी 2 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच के साथ, अगले मैचेस के कवरेज अपने डेमो टीम शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ने आपको टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।